perspectives of different educationists on women's education. Aristotle. According to Aristotle, naturally women are not equal to men. Aim of women education should be to develop qualities like greatness, purity and working without greed. Aristotle के अनुसार महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों के बराबर नहीं हैं. वो पुरुषों से कमज़ोर हैं. वो अपनी बात या फैसला जो वो लेती हैं उस पर स्थिर नहीं रहती हैं. उनकी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए महानता, शुद्धता और बिना लालच के काम करने जैसी क्वालिटीज़ को डेवलप करना. महात्मा गांधी. गांधी जी रिटन इन हरिजन, आई बिलीव इन द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द वुमेन. ही सेड दैट इफ अ वुमेन इज एजुकेटेड देन ओनली शी विल बी अवेयर अबाउट हर राइट्स एंड पोजिशन इन सोसाइटी एज वेल एज एन एजुकेटेड वुमेन कैन एजुकेट एंड रेज हर चिल्ड्रेन एज एन आइडियल सिटीजन ऑफ द कंट्री. के अनुसार मैन और वुमेन दोनों बराबर हैं, सेम नहीं हैं. दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. गांधी जी रिटन इन हरिजन, आई बिलीव इन द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द वुमेन. मैं महिलाओं की उचित शिक्षा में विश्वास रखता हूँ. महिलाएं जब पढ़ी लिखी होंगी तभी वो अपने अधिकारों को पहचान सकेंगी, सोसाइटी के अंदर अपनी पोजीशन को समझ सकेंगी और अपने बच्चे को एजुकेट कर सकेंगी और उन्हें देश का एक अच्छा नागरिक बना सकेंगी. अब इसके बाद हम फ्रोबेल देखेंगे. एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. फ्रोबेल के अनुसार मानव जाति के विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है. इसके बाद हम देखेंगे रूसो. टू रूसो, देयर शुड बी सेपरेट एजुकेशन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. रूसो वॉज अगेंस्ट वुमेन हायर एजुकेशन. एम ऑफ एजुकेशन शुड बी दैट दे कैन बिकम यूजफुल फॉर मैन. रूसो के अनुसार मैन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए. रूसो वुमेन्स की हायर एजुकेशन के खिलाफ थे. रूसो के अनुसार महिला की शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो पुरुषों के लिए उपयोगी बन सकें. अब इसके बाद हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद. बिलीव दैट वुमेन्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द कंट्री इज़ एज मच एज दैट ऑफ मैन. He said that especially women should be given religious education. The main objective of women education was to make them strong and fearless. विवेकानंद मानते थे कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में स्त्रियों का योगदान उतना ही है जितना कि पुरुषों का. उन्होंने कहा कि औरतों को खास तौर पर धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए और उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य औरतों को फियरलेस और स्ट्रॉन्ग बनाना था. इसके बाद हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर. अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, बोथ मैन एंड वुमेन आर इक्वल. ही वॉज नॉट अगेंस्ट वुमेन्स हायर एजुकेशन एंड वॉन्टेड टू मेक वुमेन्स इंडिपेंडेंट. रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार महिलाएँ और पुरुष दोनों बराबर हैं. न तो दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं और ना ही कम हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर वुमेन्स की हायर एजुकेशन को सपोर्ट करते थे और महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की बात करते थे. अब इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. इन एंशियंट पीरियड वुमेन्स एंजॉयड इक्वल स्टेटस विद द मैन. द वैदिक पीरियड इज़ बेटर देन एनी अदर पीरियड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन. वुमेन्स अलाउड टू गेट एजुकेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. वैदिक पीरियड मीन्स एंशियंट पीरियड. वैदिक पीरियड में महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर थे. दूसरे जितने भी पीरियड्स थे, मीन्स इस्लामिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, सबसे अच्छी पोजीशन वुमेन्स की वैदिक पीरियड के अंदर थी. वैदिक पीरियड में महिलाओं को शिक्षा लेने का पूरा अधिकार था. इसके बाद हम देखेंगे वुमेन्स एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड. वुमेन्स पोजीशन वेयर डिट्रियोटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस एंड पर्दा सिस्टम, ऑल दी सोशल इवेल्स विच वेयर रिलेटेड टू वुमेन वेयर प्रेजेंट इन द सोसाइटी एट दैट टाइम. एट दैट टाइम द एजुकेशन ऑफ वुमेन वॉज निग्लिजिबल. मिडिवल पीरियड में महिलाओं की पोजीशन खराब होने लगी थी. सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, पर्दा सिस्टम जैसी कुप्रथाएँ जो महिलाओं से संबंधित थी समाज के अंदर मौजूद थी. उस समय महिलाओं की शिक्षा न के बराबर थी.
केवल कुछ महिलाएं घर के अंदर ही शिक्षा ग्रहण करती थी। इसके बाद हम देखेंगे वुमेन्स एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। इन मॉडर्न इंडिया प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एजुकेट वुमेन। गवर्नमेंट टेक सम मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। आधुनिक भारत में महिलाओं को शिक्षित करने को प्राथमिकता दी गई। महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान, फोकस ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ गर्ल्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। इस अभियान के अंदर जो लड़कियां हैं उनकी आवश्यकताओं, एससी एसटी पीपल्स की आवश्यकताओं और वो बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। इन 1990 एनसीईआरटी यूनिट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन बिकेम फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स स्टडीज विथ फॉलोइंग फंक्शंस। 90 में जो एनसीईआरटी है उसका एक डिपार्टमेंट था वुमेन्स एजुकेशन, उसको फुल स्टेटस मिला, सारे अधिकार मिले और वो जो है वुमेन्स स्टडीज़ डिपार्टमेंट बन गया, जिसमें कुछ फंक्शंस थे। पहला है टू प्रमोट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द एरियाज ऑफ गर्ल्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। लड़कियों की शिक्षा और विकास के क्षेत्र में रिसर्च शुरू करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद है टू डेवलप एंड अप्लाई कंसेप्ट एंड मेथड्स ऑफ वुमेन्स स्टडीज, महिलाओं के जो अध्ययन का तरीका है उसको विकसित करना और फिर उसको लागू करना। वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ पॉइंट इन क्वेश्चंस। इतने सारे प्रोग्राम्स के बावजूद भी आज भी हमारे देश के अंदर जो महिलाओं की शिक्षा की स्थिति है उस पर प्रश्न उठते रहते हैं। 2011 में जो देश के अंदर जनगणना हुई थी उसमें महिलाओं का साक्षरता दर केवल 65.46% है। जो वर्ल्ड का एवरेज वुमेन लिटरेसी रेट है वो है 79.7%।